दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे बबाओगी हम करवाने के फिराक में है, फुल एडवेंचर करवा रहे हैं और इन मधुमस्त करने वाली समुंदर की लहरों की शेयर करा रहे हैं। वाओ गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गोवा में आ चुका है मानसून, हमारे चारों तरफ देखिए हरियाली है। तो अब चलिए चलते हैं बीच, चलिए बीच चलते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बीच, अभी बजे हैं सुबह के 7। ये देखिए बीच, बिल्कुल कितना साउंड आ रहा है यहीं से, बीच पास में है। और इस वक्त जो है जो वेव्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय भी उसका भी लैंडफॉल होने वाला है। हालांकि गोवा में नहीं होगा, बट बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से भी जो सी में एक्टिविटी है वो काफ़ी हाई है। सो इस समय सेफ नहीं है सी के अंदर जाना, तो कोई लगी हुई है। लेकिन बिल्कुल जो है बीच पे ही है ये कॉलोनिया सेंटा मारिया रिसोर्ट, इनका प्राइवेट बीच है। आप आराम से बीच एंजॉय कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। यस, और हम आ चुके हैं। बागा बीच पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, फुल एंजॉय हो रहा है। अभी सुबह है 7 o'clock और हमारे साउथ गोवा के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कोई भी नहीं था उस टाइम पे, जबकि वो एक पीक सीज़न था और अभी तो ये ऑफ पीक सीज़न है। फिर भी काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह बीच पर और बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और साइक्लोन की वजह से आप देख सकते हैं कि वेव भी कितनी हाई है, काफ़ी हाई टाइड है सीन है, तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि ज़्यादा अंदर तक जाना सीन है। और बादल भी छाए हुए हैं आसमान में, तो ऐसा ही हो रहा है जब से हम कल आए हैं, हल्के हल्के स्पेल आ रहे हैं रेन के। आई थिंक काफ़ी वाइब्रेंट बीच है ये बात। अब हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये आप देख सकते हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं। और बीच पे जो हमने एंजॉय किया वो बहुत ही शानदार था। तो अब हम लोग आउटिंग के लिए निकल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। We'll be right back.
और ये है चपोरा फोर्ट की स्टार्टिंग, चढ़ने वाली स्टिया। बहुत हाई पे रहते हैं सारी फोर्ट चढ़ने में, एकदम ब्रीथ हाई हो जाती है। बहुत ही स्टेमिना चाहिए। सीढ़ियाँ देखो बड़ी डिफरेंट है। तो पहले नहीं थी, तो इन लोगों ने बनाई है। फोर्ट सारे कितने हाई हिल पे क्यों होते हैं? फोर्ट से स्टार्टिंग से ही ये दिखने लगता है बीच। एडवेंचर करवाने के फिराक में है, फुल एडवेंचर करवा रहे हैं। और इन मधुमस्त करने वाली समुंदर की लहरों की शेयर करा रहे हैं। वाओ, क्या वेग है, मन मुग्ध करने वाला दृश्य।
देखने को। चपोरा फोर्ट चपोरा रिवर के तट पर स्थित है और फोर्ट के नाम पर यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस अगर आप इस मिसमराइजिंग व्यू को मिस नहीं करना चाहते तो आकर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और इस फोर्ट पर ही थ्री इडियट की शूटिंग हुई थी, तो अगर आप पिक्चर वगैरह लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर आप क्लिक कर सकते हैं और इस व्यू को फुल एंजॉय कर सकते हैं। चपोरा फोर्ट का एंट्री गेट, और हबी जी अब एग्जिट हो रहे हैं और हम भी चलते हैं। वाओ, सो कूल, एसी फील, इतनी ब्यूटीफुल सुंदर जगह, हवा बहुत अच्छी चलती है। और ये देखो, लेक के आसपास हम गए थे ना, पास ये वही लेक है बेबी, है ना। चपोरा फोर्ट घूमकर हम लोग अब वापस आ चुके हैं अपने होटल। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे बागा बीच, जो बिल्कुल होटल के साथ ही है, तो वहाँ की इवनिंग लाइफ एंजॉय करेंगे। तो हम आ चुके हैं बागा बीच पे, और यहाँ का ये देखो क्राउड एंड स्काई में किस तरह से बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है, और बहुत फन हो रहा है यहाँ पर। बहुत क्राउड है, बहुत सी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इतनी भयंकर वेव्स हैं कि यहाँ पर फिजिकली लोग बहुत एक्टिव हैं, कोई गेम वगैरह नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सामने नाइट क्लब, और स्पर्श के डैडी देख रहे हैं कि कौन से क्लब में जाना है, हैं? ऐसा है क्या? कौन से क्लब में जाना है ये सोच रहे हो? लगी तेरे दिल को, दिल लगी ना लगे।
करते हैं, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।